सो वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू माय लाइफ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईबी फिल्म्स। आज दरअसल ये जो वीडियो है ये हमारे डीजीआई के कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे कि एक एक्सपेंशन किट है और एक है ये डीजीआई ओस्मो पॉकेट। ये मैंने अभी नए लिए हैं क्योंकि थोड़ी ज़रूरत थी और सही रेट पे मिल रहे थे। मैंने फ्लिपकार्ट से इन्हें ऑर्डर किया है और काफ़ी काम की चीज़ है। अगर आप कभी भी ट्रिप पे प्लानिंग कर रहे हो सोलो जाने की, या फिर आप मतलब एक सोलो ट्रैवलर हो और आपको कोई जैसे कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है, ऐसा कुछ इश्यू है, तो ये आपके लिए बेस्ट है और इसके साथ ये वन ऑफ द बेस्ट है। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज दरअसल इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो है, अनबॉक्सिंग मैंने इसकी पहले कर ली है, आप उसकी वीडियो देख लो, फिर उसके बाद मैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। मेरे हाथ से भी छोटा है, काफी छोटा सा है डीजीआई का। ये छोटा सा कवर के अंदर एक आता है, इसको ऐसे निकालने के बाद, दरअसल इसके अंदर एक गिम्बल भी लगा हुआ है और सबसे ज़्यादा इसको यहाँ से हम निकाल लेंगे। और जैसे हम इसको एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम ऑन करते हैं, ये देखिए और ये ऑन होने के बाद यहाँ पे एक DJI का लिखा हुआ आता है और कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, 4K 60 तक ये रिकॉर्ड करता है। जो मेन फीचर जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं वो वाले सारे डिस्कस करूँगा। जो इसका लाइव ट्रैकिंग है, फेस ट्रैकिंग है इसके अंदर, लाइव ट्रैकिंग है, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि उसमें क्या बेनिफिट है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैं इसको ज़रा रोटेट कर लेता हूँ। वैसे तो ये 180 डिग्री के अंदर रिकॉर्ड करता है और मैं इसको रोटेट करता हूँ तो यहाँ से ऐसे रोटेट हो जाएगा। ये फ्रंट कैमरा ऑन हो गया इसका। अब ये देखिए, अब मैं इसको डबल टैप करूंगा अगर स्क्रीन पे, ये मेरे को ट्रैक कर लेगा, फेस ट्रैकर अब इसका ऑन हो गया। अब मैं जैसे जैसे इधर उधर होऊंगा, ये यहाँ से इधर अपने आप ही इसकी मोटर्स जो हैं, जो गिम्बल लगा हुआ है, वो अपने आप ट्रैक करके मेरे को इधर उधर सारी चीज़ें अपने आप फंक्शन करेगा। आप देख सकते हैं ये अभी मैं इधर हुआ और ये इसकी मोटर भी इधर हो गई है। अगर मैं इधर हो रहा हूँ तो ये इधर हो गई है। तो ये बहुत बेनिफिशियल है कि आप कहीं पे अगर रिकॉर्ड कर रहे हो, अपना कुछ ट्रैवलिंग कुछ कर रहे हो, या वैसे भी अगर कुछ कर रहे हो, आप अगर सोलो हो तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा इसका यूसेज है कि आप ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर आप इधर कहीं पे आप मूवमेंट कर रहे हो तो ये आपको ट्रैक करके रखेगा। और बाकी मैं इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। 2 माइक्रोफोन है और एक इसके फ्रंट में है, एक इसके यहाँ नीचे इसके डाउन साइड पे, यहाँ पे इसके माइक्रोफोन है। इसका आपको एक वीडियो सैंपल दिखा देता हूँ जो कि मैं 4K 30 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाकी ये 4K 60 तक रिकॉर्ड करता है। हेलो DJI Osmo, हेलो। तो आप ऑडियो क्वालिटी भी, अब ये इसी की साउंड आ रही है, बाकी किसी की साउंड नहीं है, ये इसी DJI पॉकेट जो कि इतना सा है, इसकी ये साउंड है और इसी की ऑडियो है जो ये कैच कर रहा है, और वो भी कुछ एक्सटर्नल माइक नहीं है, इसी का इंटरनल माइक से ये ऑडियो आ रही है। और ऑडियो क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी और काफ़ी सही चीज़ है ये इस रेट में। आप देख सकते हैं अगर ये मेरे को ट्रैक कर रहा है, तो अगर मैं इधर हो रहा हूँ तो ये अपने आप इधर हो रहा है, इधर हो रहा हूँ तो अपने आप ऊपर नीचे। सो बात करते हैं अब इसकी एक्सपेंशन किट की। सबसे पहले मैंने आपको इसकी क्वालिटी बता दी कि अपने आप ये लाइव ट्रैकिंग है इसके अंदर। सेकेंड थिंग कि बहुत ही काफ़ी ज़्यादा हैंडी है, छोटा सा है, ज़्यादा कोई वो नहीं है, 4K 60 में रिकॉर्ड करता है। दैट इज द थर्ड थिंग। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स है इसके अंदर। मोशन लैप्स भी है। मोशन लैप्स में क्या होता है कि जैसे कि अगर आपको जिग जैग में आपको टाइम लैप्स बनाना है तो आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं कुछ भी प्लेसेस के। हमें पहले स्काई लेना है, लैंड, फिर देन दिस पार्ट ऑफ स्काई एंड देन दिस पार्ट ऑफ बिल्डिंग एंड एनीथिंग एल्स। सो नाउ इट्स टाइम फॉर इट्स एक्सपेंशन किट। मैंने इसके साथ ही ले ली थी एक्सपेंशन किट। इसके अंदर इसकी भी आपने अनबॉक्सिंग देख ली होगी। और इसके अंदर दरअसल ये 3-4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ें के अंदर एक आपका मेमोरी कार्ड आ जाता है और बाकी ये सब इसके अंदर। ये है माउंट जो कि हम हेलमेट वगैरह कहीं पे अगर हमें माउंट करना है
तो हम इसके अंदर इसको ऐसे यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ से खोल के, और इसको हम ऐसे एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे, और ऐसे इसको हम यहाँ पे लॉक कर देंगे। और ये अब माउंट लग गया है यहाँ पे। आप इसको अब हेलमेट के अंदर भी माउंट कर सकते हो, या कहीं पे भी अगर आपको माउंट करना है तो कहीं पे भी, एक तरह से गोप्रो वाला माउंट इसके अंदर हो गया, तो आप इसको ऐसे भी माउंट करके भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है इसके अंदर, वो है इसका ये वायरलेस कनेक्टिंग के लिए एक ये पोर्ट है, ये स्टैंड इसके अंदर ऐसे फिट हो जाता है। इसके बाद ये वायरलेस कनेक्ट हो जाता है फोन के साथ हमारे, विद द हेल्प ऑफ DJI मीमो ऐप। यू आर यूजिंग एन एप्पल देन यू विल फाइंड इट ऑन एप्पल iOS, एंड इफ यू आर यूजिंग एन एंड्रॉइड देन यू विल फाइंड इट एट प्ले स्टोर। सो कनेक्ट लाइक दिस एंड नाउ यू कैन कनेक्ट यूर मोबाइल फोन विदाउट एनी जैक और विदाउट एनी वायर विद द हेल्प ऑफ द ब्लूटूथ दैट इज इन दिस। एंड वन मोर थिंग इज दिस, माउंटेड ऑल्सो इन दिस कैमरा लाइक दिस, कि आप इसको यहाँ पे, हम इसको ऐसे माउंट करेंगे, यहाँ से हम इसको स्लाइड करेंगे अंदर की तरफ और ये ऐसे लग जाएगा। इसके बाद ये अब हमारा आ गया गिम्बल कंट्रोल, यहाँ से हमारा गिम्बल कंट्रोल होएगा। इसको अगर हम लेफ्ट साइड में स्विच कर देंगे तो हमारा गिम्बल जो कि है हॉरिजॉन्टली रोटेट होएगा, और अगर हम इसको वापस राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हमारा गिम्बल यहाँ पे वर्टिकली रोटेट होएगा। सो एंड दीज टू बटन्स आर फॉर द रीसेंटर एंड स्विच द कैमरा एंगल टू फेस व्यू और टू द बैक व्यू। अगर आपको ये चीज़ें भी नहीं लेनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये एक्सपेंशन किट नहीं लेनी है, तो भी आप इसको ईजिली माउंट कर सकते हैं। इसके साथ आपको दो जैक मिलेंगे यहाँ पे, जो कि इसके अंदर माउंट हो जाएंगे, जिसके कि अपने फ़ोन के साथ, अपने मोबाइल के साथ, स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो जाता है। सो उस जैक को लगा के इसके अंदर दो जैक मिलेंगे। बाय द वे, एक वन इज ऑफ सी टाइप एंड सेकंड इज ऑफ लाइटनिंग केबल दैट इज यूज इन एप्पल, एंड सी टाइप इज यूज इन लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन। एज यू नो, मेरे ख्याल से ये गैजेट बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा रिलायबल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए। अगर कोई भी अगर यूट्यूब पे वीडियोज़ या कैसे भी वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं, इंस्टाग्राम या कुछ भी ऐसा कुछ कंटेंट बनाते हैं वीडियोग्राफी के, आप इसको ले सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली 12 मेगापिक्सल कैमरा है, जो इसका पॉकेट 2 है उसके अंदर 64 मेगापिक्सल कैमरा। दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो आई होप दिस इज दैट्स ऑल। और इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड वगैरह, नॉर्मली आप हाई स्पीड लगा सकते हैं क्योंकि 4K रिकॉर्ड करता है, तो आप 4K वाला मेमोरी कार्ड, मैंने वही वाला डाल रखा है। बाकी जो इसके साथ जो आया है एक्सपेंशन किट के साथ, ये वाला मेमोरी कार्ड आया है, ये मैंने अभी, ये मेरे यूज़ में नहीं, क्योंकि इसके अंदर 4K वीडियोस रिकॉर्ड नहीं होती हैं। सो मेरे को 4K में रिकॉर्डिंग चाहिए होती है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, मैं एक्सट्रीम प्रो यूज़ करता हूँ। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, डैट्स ऑल, एंड इट्स ऑल अबाउट DJI Osmo, एंड दिस इज द मेन मेजर थिंग्स दैट यू हैव टू नो, and the basic things you all people know that are interested in these type of gadgets. So I hope you like the video. If you like the video, do hit the like button and don't forget to hit the subscribe button. एक issue है इसके अंदर, अगर आप phone के साथ इस jack से अगर connect करते हैं तो फिर phone हमारा charging लेना start कर देता है इससे, तो ये थोड़ा सा issue है जो कि अभी इसके अंदर bug शायद वो है, वो मेरे को नहीं पता वो fix होंगे कि नहीं होंगे DJI के through, but this is the solution for this. You can connect it with your phone wireless with the help of this jack. So if you have any doubt, do comment. So see you in the next one.